तो साथियों, हम लोग देख रहे हैं जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए। साथियों, यह जीएस वर्ल्ड की जो एक बहुत ही बेहतरीन और विश्वसनीय संस्था है, इसका हमने यह 16वीं टेस्ट सीरीज लेकर आया है जो आपके मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, जो आपके यूपी स्पेशल और कुछ हिस्ट्री से ही रिलेटेड आपको करेंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, इसका मैंने पहला पार्ट जो है करवा दिया है। मैं पहले बताया था कि ये इस जो हमारी ये 16वीं टेस्ट सीरीज है, ये 150 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है साथियों, तो इसका मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। फर्स्ट पार्ट में साथियों 75 क्वेश्चन हमने करवाया है, और ये 75 प्रश्न आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सारे के सारे कंसेप्चुअल जो प्रश्न टाइप के थे, कंसेप्चुअल टाइप के प्रश्न, ये आधा हमने यहाँ करवा दिया था, और जो आधा फैक्चुअल बचा था, मैं बोला था आपको मैं ये दूसरे पार्ट में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 150 तक। तो आज की हमारी ये जो टेस्ट नंबर 16वीं की दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। सारे के सारे फैक्ट प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे। कंसेप्चुअल फर्स्ट पार्ट में था, और यहाँ कंसेप्चुअल जो मॉडर्न इंडिया से संबंधित है ये आपको यहाँ इस सेकंड पार्ट में मिल रहा है। तो साथियों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो होगा आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आप अपने आप को जांचिएगा, परखिएगा कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हैं ये साथियों आपके आरओ एआरओ के लिए, क्योंकि मैं चीजों को जो भी बताता हूँ एक्सप्लेन करके बताता हूँ, थोड़ा सा आपका समय जरूर लेता हूँ, लेकिन ऐसा बताता हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आपका एग्जाम कोई छूटे ना। तो आपके आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने वाला है साथियों, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उसी से लगभग पैरेलल है ये। तो साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हाँ, बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीज आप यहां से सीख कर जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग साथियों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 76। बहुत बढ़िया, देखते हैं हम लोग। तो साथियों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या कहता है इसमें? कह रहा है कि देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में जो आया था, तो इसका एक दूसरा बहुत प्रचलित नाम है साथियों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है साथियों, ये 1878 में आया था। 1878 में किसके द्वारा आया था साथियों? लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन इसे लेकर आया था। ये क्या था इसमें कि जितने भी समाचार पत्र अपने देसी भाषा में छपते थे उन सबको कैंसिल करके कहा कि अब जितने भी समाचार पत्र छपेंगे सब के सब इंग्लिश में छपेंगे। किसमें? इंग्लिश में, जिससे कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो बातें लिखी जा रही हैं ज्यादा लोग उसको न समझ पाए, इसलिए था। और एक बात और मैं इसको पहले आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये तो लाया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। इसके 4 साल बाद साथियों 1882 में आता है लॉर्ड रिपन, तो वही लॉर्ड रिपन इसको जो है कैंसिल करता है। जब भी आपसे पूछे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर आया था, लॉर्ड लिटन लेकर आया था 1878 में, और इसके 4 साल बाद 82 में लॉर्ड रिपन आता है, तो इसे कैंसिल करता है, खत्म करता है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। और साथियों, इसी से रिलेटेड है, मैंने आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा बता दी आपके जानकारी के लिए। तो कह रहा है यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 के तहत किन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था कि आप देसी भाषा में नहीं छाप सकते, आप केवल अंग्रेजी में छाप सकते हैं? तो साथियों, ये जो है भारत मिहिर पर भी लगाया गया था, सोम प्रकाश पर भी लगाया था, ईश्वर चंद विद्यासागर का, ढाका प्रकाश, सहचर, इन चारों 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 के चारों समाचार पत्रों पर यह देसी यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर जो होना चाहिए एक होना चाहिए, 76 का ए हो जाएगा। बहुत अच्छा साथियों, चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं अपना 77 में। तो देखें साथियों, 77 में हमें क्या बता रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय नेता पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो साथियों, बहुत सिंपल प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है उन्होंने, एक राष्ट्रवादी नेता है जो है, उन्होंने लिखे हैं कि पावर्टी एंड एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में उन्होंने
धन बहिर्गमन सिद्धांत दिया था कि यानी भारत के बहुत बड़ी संपत्ति जो अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं उसके बदले भारत को कोई फायदा नहीं हो रहा है, यही है धन निर्गमन का सिद्धांत। तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यही लिखे हैं दादा भाई नौरोजी। आगे देखें हम लोग 78 में क्या है। 78 में साथियों है हमारा, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इस समय बाल गंगाधर तिलक ने दो समाचार पत्र लाए थे, एक केसरी लाए थे जिसका प्रयोग जो है असहयोग आंदोलन में किया गया था, हालांकि असहयोग आंदोलन तक जिंदा नहीं रह पाए। तो केसरी जो है ये मराठी भाषा में आती है, खूब पूछा जाता है, और इसी समय वो एक मराठी पत्रकार निकाले थे, मराठा, केसरी और मराठा, मराठी नाम था एक पत्रिका का, और नाम तो मराठी है लेकिन ये इंग्लिश में थी, ये पूछा जाता है, नाम इसका पत्रिका का मराठी है लेकिन ये इंग्लिश में थी और जो केसरी है वो मराठी में थी। इसका प्रयोग असहयोग आंदोलन में किया गया था। लिखे थे कौन ये? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। देखें 79 में क्या पूछ रहे हैं आपसे। 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो साथियों वही वीडी सावरकर ने अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो 79 में हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा, वीडी सावरकर। कब किए थे? 1904 में। बहुत अच्छा, आगे चले हम लोग। देखें हम 80 में क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन या ब्रिटिश योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो साथियों यही कैबिनेट मिशन विकल्प नंबर बी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ने जो पाकिस्तान में जो है आयात, कैबिनेट मिशन कौन बनाया था साथियों? 1946 में आया था, इसी के तहत अपनी संविधान सभा बैठाई गई थी। तो यही इसने कैबिनेट मिशन ने जो है पाकिस्तान की मांग को जो है अमान्य कर दिया था, माना नहीं था। तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं 81 में साथियों क्या है। निम्नलिखित में से मतलब किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? हालांकि इसके पहले कर दिया गया लेकिन वो जो घोषणा किए थे, कह रहे थे कि हम 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। तो ये किसने कहा था साथियों? उस समय लेबर पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो विकल्प नंबर ये आपके सी, 81 का सी हो जाएगा साथियों। तो आगे देखें हम लोग। बहुत अच्छा, एक एक से बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आप ऐसे प्रश्नों का अगर मंथन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात साथियों आप लोग एग्जाम में इसका बहुत फायदा मिलेगा। और हिस्ट्री तो आप लोग जानते हैं साथियों, हिस्ट्री जो है हमारी ये बहुत अच्छा वेटेज, लेकिन औसत लगभग इसका 25 क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस में, और लगभग इतना ही आरओ एआरओ में पूछा जाता है। तो इसका वेटेज बहुत होता है हमारे एग्जाम में। आगे देखते हैं हम लोग 82 में। तो 82 में साथियों क्या है। खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा खुदीराम बोस बहुत ही क्रांतिकारियों में, बहुत ही सक्रिय क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है। दो नाम होते हैं साथियों, ये एक किंग्सफोर्ड होता है जो मतलब मजिस्ट्रेट होता है उस समय बंगाल का, तो इसके ऊपर बम फेंकने की योजना बनाते हैं। एक खुदीराम बोस होते हैं, एक इनका साथी होते हैं प्रफुल्ल चाकी। तो ये दोनों ने जो है प्लान बनाते हैं कि इसके ऊपर बम फेंक कर इसको मार दिया जाए, किंग फोर्ड को। तो हालांकि उत्तर इसका यही होगा, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं कि इससे आपको याद हो जाए। तो ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने प्लान बनाया कि हम बम फेंक देंगे, कहां? बिहार के मुजफ्फरनगर में। तो मुजफ्फरनगर में ये योजना बनी थी, फेंका गया था बम। जिस गाड़ी में ये लोग बम फेंके उसमें किंग फोर्ड नहीं था बल्कि अन्य महिलाएं थी। तो दो महिलाएं और एक कुछ और लोग मर गए थे इनके बम फेंकने से। तो ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए, बहुत आहत हुए। तो जो प्रफुल्ल चाकी हैं साथियों, प्रफुल्ल चाकी अपनी पीड़ा सहन नहीं कर पाए कि हमारी वजह से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो जो है खुद जो है तुरंत सुसाइड कर लिए। और ये जो खुदीराम बोस थे 18 साल से कम थे, इनको गिरफ्तार करके जो है बाद में जो है इनको सजा दी गई, फांसी दिया गया। तो किंग फोर्ड के चक्कर में ये ऐसा हुआ था। आगे चले हम लोग, देखते हैं
1983 में संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति यानी संविधान सभा की अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी की उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों माइनॉरिटी की जो उपसमिति के अध्यक्ष थे तो ये थे यहाँ पर साथियों, इसमें तो अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर तो यहाँ पर नहीं थे, ये भी नहीं थे, पट्टाभी सीताराम अय्यर नहीं थे, एच सी मुखर्जी थे, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, ये हो जाए, एच सी मुखर्जी थे माइनॉरिटी उपसमिति के अध्यक्ष। आगे देखें 84 में स्वामी विवेकानंद 1897 में से 1897 में किसकी स्थापना की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 किसकी स्थापना की गई? तो साथियों रामकृष्ण मिशन की, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। इसी में उन्होंने जो है शिकागो में एक धर्म विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था, भारत की जो है कल्चर का परिचय कराया था विश्व से। आगे देखते हैं हम लोग 85 में साथियों, एक एक से बढ़कर प्रश्न है, आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहां सीखने को मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है 85 में, 1795 में और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में किसे अवैध घोषित किया गया? तो ये दो मतलब तरह का ये कानून है, 1795 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों में किसे अवैध घोषित किया गया था? तो साथियों सती प्रथा तो अवैध जो घोषित किया गया था ये तो 1829 में, तो इसे नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 1829 में घोषित किया गया था। और इसी समय जो है साथियों बाल विवाह को अवैध घोषित किया गया था, लगभग यही समय था, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, तो ये दोनों नहीं हो सकते साथियों, तो कौन होगा? तो एक बी वाला हो जाएगा और एक एक दो वाला, एक चार वाला, यानी एक और तीन नहीं होगा, कौन होगा? दो और चार होंगे, तो विकल्प नंबर बी हो जाएगा 85 का हमारा। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग, 85 हो गया, 86 बहुत बढ़िया प्रश्न, बक्सर के बाद यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद कहां के नवाब ने इलाहाबाद युद्ध और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया गया, मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। तो साथियों आप लोग जानते हैं जो इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया गया तो ये अवध का था। तो साथियों आप लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर युद्ध के बाद 1765 में, क्लाइव दोबारा जब आता है तो वह जो है इलाहाबाद की दो संधियां करता है, तो जो पहले वाले में होता है साथियों वह जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देता है। तो ये वाला साथियों इसे बहुत अच्छा है, ये सी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, जो इलाहाबाद और कड़ा ये वाला जुड़ा है तो सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत थे। तो आगे देखते हैं हम लोग 86 का हमारा सी हो गया, 87 वाले में क्या है इसमें साथियों, बहुत अच्छा, आप लोग को मालूम है एक शिमला समझौता हुआ था यहाँ पर, तो ये किससे रिलेटेड है देखते हैं हम, मैकमोहन रेखा आप लोग जानते हैं, चाइना भारत और चाइना के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा, और भारत पाकिस्तान के बीच है जो रेड क्लिफ, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में हेनरी मैकमोहन ने 1914 में किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो किस संधि पत्र में साथियों किया था? तो आप लोग को मालूम है मैंने पहले बताया शिमला समझौता में, तो विकल्प नंबर ए शिमला में, शिमला कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो 1914 में यही मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था जो भारत और चीन के बीच है, किसने किया था? हेनरी मैकमोहन ने। आगे देखते हैं हम लोग 87 हो गया, 88 में, तो 88 में क्या है इसमें साथियों, क्या पूछ रहे हैं आपसे? लखनऊ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में साथियों जो 1907 में नरम दल और गरम दल कांग्रेस के अलग हुए थे, इसी लखनऊ अधिवेशन में एक हो गए थे, तो ये किसका बहुत बड़ा फैक्ट पूछा जाता है ये। तो लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में आपको तीन कथन दिए गए हैं, कथनों पढ़कर सही उत्तर दीजिए। तो उग्रवादी और उदारवादी गतिरोध समाप्त हुआ, यस साथियों वही उग्रवादी मतलब नरम
मतलब गरम दल और उदारवादी नरम दल, तो ये एक हो गए थे, सही बात है। और दूसरा, संवैधानिक सुधारों के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ, या साथियों दोनों समझौता हुआ था, दोनों बातें हुई थी इस अधिवेशन में, यानी कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और कांग्रेस के अंदर जो दो गुट बन गए थे नरम दल गरम दल उसमें भी समझौता हुआ, और इसके फलस्वरूप 19 संस्मरण पत्र में समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। यस, तो 1, 2, 3 सभी सही है, डी हो जाएगा हमारा, 88 का डी। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 89 में। 89 में साथियों क्या है हमारा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कानून एक तरफ दिया है कुछ कानून, और दूसरी तरफ दिया है वो किस गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित हैं। तो बहुत अच्छा साथियों, तो शारदा जो है यहाँ पर लिखा है, तो जो सही उत्तर होगा वही हमें देना है। यहाँ देख रहे हैं ना सही उत्तर, पहले ध्यान से देख लीजिएगा ये सही पूछ रहे हैं कि गलत, तो आपसे सही पूछ रहे हैं, तो जो सही हो उसी को बताइएगा। तो सती प्रथा का जो कानून यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, जो लिखा है सती प्रथा निषेध कानून, यानी सती प्रथा को जो इनलीगल घोषित किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन लिख दिया है। तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्हें मनबाटन भी कहा जाता है, ये तो साथियों आए थे 45 में आए थे, और सती प्रथा हमारी जो है 1829 में हो गई थी, तो सीधा सीधा ये गलत है, इसमें कोई दम नहीं है। हिंदू महिला संपत्ति वाला ये जो मामला है साथियों, ये लॉर्ड वेवेल से भी नहीं है, ये भी जो है लॉर्ड वेवेल तो भी ये आए थे लगभग 40-40 के आसपास, 1940। संपत्ति आयु अधिनियम लॉर्ड डलहौजी से, ये भी साथियों लॉर्ड डलहौजी तो आया था जो है 1849 में, और 56 तक रहा, जो हड़प नीति लेकर आया था, ये भी नहीं है। और ये शारदा कानून यही है, विकल्प नंबर ए आपका यही सत्य है, जो 1829 के आसपास लाया गया था, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय, लॉर्ड इरविन थे, कैनिंग, इसके कैनिंग के बाद इरविन आए थे, तो वहां पर था, तो ये सही है। आगे देखते हैं हम लोग 90 में। सप्रू आयोग, सप्रू आयोग साथियों क्या है, सप्रू आयोग जो 1934 में गठित किया गया था, ये साथियों ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो बेरोजगारी फैली थी उसका अध्ययन करने के लिए, उसका मतलब एक तरह से मतलब जांच करने के लिए, बेरोजगारी का स्तर किस लेवल पर है, तो सप्रू आयोग टीबी सप्रू के नाम पर ये किया गया है, ये इसके अध्यक्ष थे 1934 में, याद रखिएगा इसे हमारा। बहुत अच्छा, और धन निष्कासन तो जानते हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी डी, डीबीएम इससे संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम लोग 91 में। ये कथन दिया है साथियों, ये कथन किसका है ये हमको पढ़कर बताना है, क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है ये देखिए। पहले हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी, यानी हम सिर्फ महारानी और महारानी के रैयत पर रहना चाहते हैं, यह निम्नलिखित में से किस आंदोलन में दिया गया था, यानी ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें लोगों ने कहा कि हम अब ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत शासित नहीं होंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश की जो महारानी है उनके अंतर्गत पर हम लोग शासन अपना चलवाएंगे। तो ये किसने कहा था साथियों, किस आंदोलन में ये बात छिड़ी थी, ये आपसे पूछ रहा है, तो पापना विद्रोह में, विकल्प नंबर आपका डी हो जाएगा। पापना विद्रोह साथियों 1873 से चला था और 85 तक, 1873 से 85 तक चला था, जो इसमें बहुत सारे नेता है। पावना कहाँ है, बंगाल के, एक बंगाल में पावना स्थान है, वहीं पर हुआ था ये, तो बहुत फेमस आंदोलन है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। देखते हैं 92 में। 92 में साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका एक बहुत अच्छा नाम है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ए आई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसे एटक भी कहा जाता है, एटक नाम आपसे ज्यादा पूछा जाता है, एटक। तो एटक के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, यही आपको बारे में बताना है एटक के बारे में। तो साथियों ये करा है एटक 1919 में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गठन ने इसके लिए उत्प्रेरक का काम किया, उत्प्रेरक का मतलब बहुत अधिक परिवर्तन करना, तो 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में जो ये एटक है वह उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। दूसरा क्या है, ये तो सही है, लाला लाजपत राय ने एटक के पहले अध्यक्ष और जोसेफ बैपिस्टा इसके उपाध्यक्ष थे, तो
साथियों दोनों के दोनों बातें यहाँ सही लिखें तो हमसे सही उत्तर पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर बी हो जाएगा, 92 का बी हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में ये जो है, और सॉरी ये जो है 1919 में, तो उस समय ये चेम्सफोर्ड रहा होगा, उस समय 1919 में ये हुआ था। तो दोनों बातें यहाँ पर 92 वाले हमारी सही है। आगे देखते हैं हम लोग, 93 में देखें क्या है। 1870 के मेयो प्रस्ताव, 1870 के मेयो प्रस्ताव, साथियों यही मेयो था जिसने जाति जनगणना की शुरुआत किया था, मतलब जाति जनगणना ही कर सकते इस तरह, जनगणना की शुरुआत किया था मेयो, यही इसके बारे में याद रखिएगा। तो 1870 के मेयो प्रस्ताव के संदर्भ में चार कथन दिए गए हैं, कौन कथन सही है अपना सही उत्तर चुनिएगा यही दोनों कथन पढ़कर। तो यह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वैधानिक विकेंद्रीकरण की नीति की प्राकृतिक परिणाम था, यस। इसके फलस्वरूप स्थानीय वित्त का प्रारंभ किया गया, यस साथियों। स्थानीय वित्त मतलब जैसे साथियों मेले लगाने का आयोजन में पैसा का व्यवस्था करना, और कुछ सिंचाई के लिए, कुछ नहरों के लिए, इस तरह के जो काम थे सड़कों के लिए, तो इसमें स्थानीय जो सरकार थी तो उसमें वित्त की व्यवस्था किया गया था। तो ये बातें यहाँ दोनों सही हैं, 93 में हमारी सी हो जाएगी, दोनों के दोनों बातें सही। 94 में वेवेल योजना जो 1945 में आई थी साथियों, 1945 में आई थी, इसका एक ही मात्र था साथियों कि जो मतलब गवर्नर जनरल, मतलब एक तरह से कार्यकारिणी की, मतलब किससे संबंधित था ये, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सभी सदस्य भारतीय होंगे। तो जब उस समय मतलब मामला छिड़ा था राष्ट्रीय आंदोलन का, लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, तो आया कहा भाई आप लोग बस गवर्नर की पद छोड़कर आप, मैं सारे कार्यकारिणी में भारतीयों को भर्ती करूंगा, आप लोग हमारी बात मान जाइए। तो उसी समय ये वेवेल योजना आई थी, सी वाला हो जाएगा उत्तर आपका। और देखिए 95 में क्या है, 95 में आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको पत्रिका का नाम दे दिया है एक सूची में, और दूसरी सूची में संपादक के नाम दे दिए गए हैं, तो कौन सी पत्रिका किस संपादक से संबंधित है मिलाकर बताइए। तो साथियों यहाँ पर इंडियन मिरर, ये देवेंद्रनाथ इसके संस्थापक हैं, जो पत्रिका थी, राफ्ता, राफ्त गुफ्तार जो है दादा भाई नवरोजी इसके संस्थापक हैं, ये हो जाएगा, और ट्रिब्यूनल दयाल सिंह मजीठिया, और युगांतर यही आ जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये आपका सीधा सीधा सब है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका, 95 का ए आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 96 में, 96 में क्या है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यहां पर जरूर मार्किंग करिए, मतलब नहीं सुमेलित है। तो साथियों क्रिप्स प्रस्ताव तो 1942 में आया था, ये बात सही है, लेकिन हमसे कह रहा है सही नहीं है, तो ये उत्तर में नहीं होना चाहिए। और माउंट बेटन योजना भी 1947 के तहत आई थी, जिसे हम लोग मनबाटन योजना भी कहते हैं, जो मतलब इसी का वो बहुत बड़ी भूमिका थी भारत विभाजन की, तो इसीलिए इसे मन बाटन कहा था कि भारत पाकिस्तान के मतलब अपना मन बांट दिया दोनों में। तो ये दोनों नहीं होने चाहिए विकल्प में, क्योंकि ये दोनों सही हैं, इतना तो कंफर्म है। और ये मंत्रिमंडली शिष्ट योजना जो थी, ये जो है 46 में आई थी, कब आई थी 1946 में, और इटली घोषणा पत्र जो आया था साथियों, इटली घोषणा पत्र जो है ये 47 में आया था, 46 में नहीं है, 47 में आया था, तो याद रखिएगा दोनों। तो यही दोनों गलत हैं ये वाले, तो एक और दो, एक और दो, तो ये हो जाएगा हमारा, ये डी वाला उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, यहां देखें हम लोग 97 में देखें, फराजी आंदोलन से संबंधित हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं। फराजी आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो जो फराजी आंदोलन था इसका नेतृत्व साथियों ये किए थे हाजी शरीयत उल्लाह, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, फराजी आंदोलन से संबंधित। फराजी आंदोलन साथियों एक तरह का था
जो मुसलमानों में एक इनोवेशन मतलब एक नवाचार विकसित करना, और मुसलमानों को भी जो गैर इस्लामिक प्रथा विकसित हो गई थी उसको दूर करना। तो ये फराजी आंदोलन हुआ था, इसको याद रखिए, 1818 में। तो ये 1818 में आई थी फराजी आंदोलन। आगे देखते हैं, देखें 98 में। तो जो ये 98 में 98 वाला हमारा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहे हैं देखें, चार कथन आपको दिया गया है और इनमें से मतलब वो विचार उदारवादियों से संबंधित नहीं है। ये चारों कथनों में से जो विचार उदारवादियों में से नहीं है उसको आप पहचानिए। तो उदारवादियों में कौन नहीं है, उदारवादियों का मतलब जो ये अंग्रेजों से झगड़ा करना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों से निवेदन प्रतिवेदन करना चाहते थे, उनसे अनुनय बिनय की निवेदन नीति से उनको लगता था कि अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे अंग्रेज ठीक हैं, अगर हम उनकी बात मानेंगे को हमारी बात मान लेंगे, एक तरह से अनुनय बिनय की बात करते थे। तो जो उदारवादियों से संबंधित नहीं है उसी को पहचानिए। तो जब आप पहला पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है भारतीय दुर्दशा को दूर करने के लिए स्वराज की मांग। तो साथियों शुरुआत में उदारवादी ये स्वराज की मांग नहीं कर रहे थे, वे सिर्फ भारतीय समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखते थे, बस उनका इतना ही काम था। तो विकल्प नंबर ए तो हो जाएगा उग्रवादी से संबंधित, एक तरह से उदारवादियों से नहीं हो जाएगा। तो एक जिसमें होगा वो गलत हो गया आपका। तो एक इसमें है, ये गलत, ये गलत। और ये जो है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता का समर्थन तो करते थे उदारवादी, ये भी सही है। और ये तीन वाले में ब्रिटिश न्यायपालिका में विश्वास रखते थे, उनको लगता था अंग्रेज लोग ठीक हैं और केवल संवैधानिक दायरे में रहकर लक्ष्य पाने का विश्वास करते थे। कहते थे कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, हमें अपना काम करवाना होगा, तो हमें संवैधानिक दायरे के अंदर रहना होगा। तो ये तीनों बातें जो मतलब लास्ट की तीन बात हैं यही सही है उदारवादियों के संदर्भ में। तो विकल्प सी हो जाएगा उत्तर। देखें हमारा 99, अलीपुर षड्यंत्र कांड। अलीपुर षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 99 वाला जो हमारा ये सवाल है, तो अलीपुर षड्यंत्र कांड साथियों किस निम्नलिखित में से किन पर अभियोग चलाया गया था? तो ये जो अभियोग चलाया गया था साथियों अरविंद कुमार घोष और बारिंद कुमार घोष पर। 99 का जो हमारा होगा तो ये उत्तर हमारा डी हो जाएगा, ये इन पे चलाया गया था। तो आप लोग मालूम होगा साथियों वही बम फेंकने वाले में वही वाला मामला इसमें भी था जो भी मैंने आपको बताया था 1908 में। आगे देखते हैं, 100 में देखते हैं क्या है, खिलाफत असहयोग आंदोलन। तो साथियों आपको मालूम है खिलाफत असहयोग आंदोलन की मांगे क्या थी, उसी से संबंधित आपको तीन कथन दिया गया है। इन तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो साथियों क्या लाजवाब प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन जो थी साथियों, खिलाफत आंदोलन 1919 में आई थी, तुर्की में जो खलीफा का पद अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था उसके लिए पूरे विश्व के मुसलमान आंदोलन कर रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि हम 2020 और सॉरी 1920 में हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, अगर यही 1919 वाले मुसलमानों को हम हेल्प करेंगे तो मुसलमान हमारे असहयोग आंदोलन में हेल्प करेंगे। तो यही हुआ भी। तो इन्हीं दोनों आंदोलन को, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन को जोड़ दिए गांधी जी जो है, तो इसी को खिलाफत असहयोग बोला जाता है। तो पहला जो है तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना था इसलिए बात सही है, और दूसरा ये पंजाब सरकार में हुई ज्यादतियों का निराकरण करना यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, और ये तीसरा में स्वराज की स्थापना करना। तो ये तीनों बातें खिलाफत और असहयोग से रिलेटेड हैं। तो हमारी जो क्वेश्चन होगा साथियों उत्तर होना चाहिए ये ए होना चाहिए, तीनों सही है, खिलाफत और असहयोग से जुड़ी हुई बात है। बहुत अच्छा, 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए 100 तक। अब देखते हैं हम लोग 101, 101 में। तो साथियों बहुत अच्छा, नेहरू रिपोर्ट से संबंधित हमारा सवाल है। नेहरू रिपोर्ट जानते हैं साथियों हमारा, बहुत अच्छा है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी, और मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो इसमें एक बहुत एक तरह का संवैधानिक बातें लिखी गई, एक तरह से संविधान तैयार किया गया। तो
तो वही नेहरू रिपोर्ट में, तो इसमें भाषाई आधार पर प्रांतों की मांग किया गया था, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, केंद्र राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज के दर्जा देना, तो ये सभी बातें लिखी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। और जैसे बातें थी यहाँ पर, तो मतलब कि जैसे कि केंद्रों के पास अवशिष्ट शक्तियां होना और किसी समुदाय के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, तो यही सब बातें थी। तो यानी बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं, तो ये सब के सब बातें सही हैं नेहरू रिपोर्ट से। सी हो जाएगा उत्तर। तो अब देखते हैं हमारा गोलमेज सम्मेलन से प्रश्न है। देखने में बड़े भड़कम होते हैं लेकिन कोई दम नहीं है, अगर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है तो समझ जाएंगे, तो कितना से भी कितना बड़ा प्रश्न आएगा आप उसे क्रैक कर देंगे, फोड़ देंगे। तो देखे हैं क्या है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आपको मालूम है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों 1931 के आसपास ये हुआ था, तो जिसमें यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था साथियों, जिसमें कांग्रेस भाग ली थी, कांग्रेस तरफ से महात्मा गांधी जी जो है लंदन गए थे भाग लेने के लिए। और ऐसे पूछा जाता है एक और सवाल, कौन सा गोलमेज सम्मेलन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो भाग लिए थे, तो वही अपने B.R. अंबेडकर जी। तो ये मैंने बता दिया वैसे। तो इसमें क्या था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर, तो दिल्ली समझौते के तहत कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए। यस, इस सम्मेलन में सरकार भारतीयों के मुख्य मांग स्वतंत्रता पर विचार करने में असफल रही थी, यस इसलिए फेल भी हो गया। यह सम्मेलन रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में मतलब घोषणा किया गया था। तो ये तीनों के तीनों बातें सही हैं हमारे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। तो हमारा जो यहाँ उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए साथियों, यह तीनों हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए, उत्तर ए होगा। और ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे यह लेबर पार्टी से थे, ये भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, तो देखें 103 में ये आपको गांधी जी के हरिजन अभियान से, हरिजन अभियान गांधी जी ने क्यों चलाया था साथियों, उस समय यरवदा जेल में थे और उसी के जस्ट पहले जब अलग निर्वाचन मांग कर रहे थे अंबेडकर जी दलितों के लिए, गांधी जी ने यही यरवदा जेल में ही अनशन कर दिए थे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी अभियान जो हरिजन अभियान था वो किसके संबंध में था। तो साथियों इसका आरंभ तो ये यरवदा जेल में ही किए थे, यस। और हरिजन अभियान क्यों शुरू किए गए थे, तो दलितों के सम्मान के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, एक दूसरे को सम्मान के लिए ये सब किया गया था, खास करके दलितों के लिए। तो यहाँ पर बी वाला भी सही होगा, अस्पृश्यता की यानी छुआछूत की समाप्ति का उद्देश्य। तो सी हो जाएगा हमारा उत्तर। 4 में हम लोग देखते हैं, तो 4 में हमारा क्या है, तो 4 में हमसे पूछा जा रहा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है हमसे। तो साथियों यहां देखें, इसकी स्थापना 1936 लखनऊ में हुई थी, यस कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही बात है, लखनऊ में ही इसकी स्थापना हुआ था ये अखिल भारतीय किसान सभा की, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो यहां साथियों स्वामी सहजानंद इसको सरस्वती को सचिव बता दिया है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये सचिव नहीं, इसके अध्यक्ष थे, मुखिया थे ये जो संगठन था। और आप सोच रहे होंगे सचिव कौन थे, तो इसके सचिव जो थे साथियों वो रंगा थे, रंगा नाम था उनका, पूरा नाम उनका जो है लिखा जाता है कि उसमें एनजी रंगा, एनजी रंगा। तो ये बातें लिख दिया मैंने, इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करना तथा ऋण संस्थागत बनाना। तो यस पहले की दो बातें सही हैं, तीसरा गलत है। तो 104 का हमारा डी हो जाएगा उत्तर, डी। बहुत अच्छा, 1-2 सही है, डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं 105 में। 105 में आपसे कह रहा है तेभागा आंदोलन के संदर्भ में, तेभागा आंदोलन मतलब तीन भाग के लिए आंदोलन हुआ था, कि जो लोग कृषि कर रहे थे, मान लीजिए ये जमींदार हैं और ये बेचारे जो है कृषक हैं, जो जमींदारों की कृषि पर खेत कर रहे मतलब खेती कर रहे हैं, तो जो ये मतलब एक तरह से फार्मर हैं, किसान थे, तो ये जब खेती होती थी
तो 50% जो है जितना उपज होता था जमींदार या जिसकी भूमि होती थी ले लेते थे। ये किसान कहते थे नहीं, आप आधा ले लेते हो तो नहीं, आप आधा नहीं लोगे, हम एक तिहाई लेंगे, मतलब तीन हिस्सा होगा, तीन हिस्सा होगा और आप केवल एक हिस्सा लीजिएगा और हम दो तिहाई लेंगे। तो इसीलिए हुआ था तेभागा आंदोलन तीन भाग के लिए, तो यानी हम 66% लेंगे तीन भाग। तो ये इसे बटाईदारों द्वारा जो दारों के विरुद्ध लाया गया था, यस अवध किसान सभा ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नहीं साथियों, अवध किसान सभा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, जबकि साथियों एक पार्टी आप लोग जानते होंगे सीपीआई, जिसे हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, सीपीआई इसमें बहुत भूमिका निभाई थी। तो ये केवल एक इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, एक वाले 106 में। निम्नलिखित में से कौन संस्थाएं कांग्रेस के गठन के पूर्व की हैं? बहुत लाजवाब प्रश्न, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कांग्रेस की आप लोग मालूम है स्थापना जो 1885 में हुई थी, इसके पहले बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो काम कर रही थी राजनीति के लिए, सामाजिक के लिए। तो वही बात है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी साथियों, 1885 में ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस से पहले। तो एक ये हुई थी कांग्रेस से पहले इसका स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना हुई थी, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी ने इसका स्थापना किया था 1876 में, 1876 में, और इंडियन लीग सुशील कुमार घोष ने किया था इसकी स्थापना। तो कब किए थे? 75 में किए थे, 1875 में। तो सबका मैंने दे दिया, सबके सब जो हैं ये कांग्रेस से पहले गठित हुई है, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें, कभी काल आप डेट नोट कर लीजिएगा, कभी काल आपसे क्रम पूछे तो आप बता दीजिएगा। साथ में देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने अपने किस पत्र में मुजफ्फरपुर बम घटना के बारे में लिखा है? वही मुजफ्फरपुर घटना, मुजफ्फरपुर बम घटना जो मैंने बताया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है किंग फोर्स पर बम फेंका था, वो बच गया था, जिसके कारण प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया कि हमसे गलत आदमी की मृत्यु हो गई, और जो है खुदीराम बोस को फांसी हुई थी। तो बाल गंगाधर ने किस पत्रिका में इस घटना को बताए थे, तो इसको आपको बताना है यहाँ पर। तो साथियों विकल्प नंबर केसरी हो जाएगा आपका, ये केसरी में उन्होंने किया था, केसरी अंग्रेजी में लिखी थी उनकी एक पत्रिका थी, इंग्लिश में आती थी और एक मराठी आती थी, सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया, इंग्लिश नहीं, ये केसरी जो थी वो मराठी भाषा में इनकी निकलती थी, बाल गंगाधर तिलक की 1881 के आसपास। और एक आती थी मराठी पत्रिका, मतलब कंफ्यूजन ना होइएगा, ये केसरी एक पत्रिका थी मराठी भाषा में, और एक और वो मराठी पत्रिका थी, इसका नाम था पत्रिका की मराठी, और वो निकलती थी इंग्लिश भाषा में, इसको याद रखिएगा इस कंफ्यूजन को। और देखते हैं हम लोग 8 में, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है, सही उत्तर दे दीजिए। तो बर्रा डकैती कांड, बर्रा डकैती कांड पुलीन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा की गई थी, यस साथियों बहुत ही अच्छा जवाब है, 1808 में। तो धन निष्कासन के लिए यह प्रारंभ हुआ था पुतीन दास के नेतृत्व में, तो कब हुआ था साथियों? ये 1908 में, 1908 में, सही बात है। चापेकर बंधुओं ने पूना में प्लेग समिति के प्रधान की हत्या कर दी थी, यस, क्योंकि उस समय जो प्लेग बीमारी फैली थी तो उस समय बहुत ज्यादा प्लेग की बीमारी के नाम पर अत्याचारी हो रही थी। तो यहाँ सी हो जाएगा हमारा उत्तर, 108 का सी। आगे देखते हैं 109 में, 109 में साथियों हमारा क्या है? मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 के स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसका स्थापना का उद्देश्य सामाजिक शुद्धता आंदोलन, समाज में शुद्धता लाई जाए, विधवा के शोषण का विरोध किया जाए, देवदासी का प्रथा विरोध किया जाए, दलितों की दशा सुधारी जाए, ये सब बातें मद्रास हिंदू एसोसिएशन यानी मद्रास हिंदू एसोसिएशन महा 1892 की स्थापना का उद्देश्य, यानी विकल्प नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा
109 का जो है हमारा ये एक हो जाएगा। ये सॉरी, ये दलितों का इसमें सुधारना नहीं था, ये दलितों के सुधारने का इसमें नहीं था, ये शुरुआत के 3 थे। तो विकल्प नंबर आपके ए हो जाएगा हमारा, 9 का ए। आगे देखते हैं हम लोग, 10वां का क्या है। 10वां में साथियों हमसे क्या पूछा जा रहा है देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वे समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें? तो किस अधिवेशन में नेहरू जी ने कांग्रेस से ये बात रखी थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1836 में, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। आगे चले हम लोग 11 में, देखते हैं क्या है 111 में, बहुत अच्छा प्रश्न। तो साथियों यहाँ पर क्या है, सोम प्रकाश एक पत्रिका थी, इसकी स्थापना 1899 में कलकत्ता में द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा की गई थी। तो साथियों ये बात सरासर गलत है, सोम प्रकाश की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्या सागर के द्वारा शुरू किया गया था, इसको याद रखिएगा। सोम प्रकाश पत्रिका की स्थापना ये उन्हीं के द्वारा किया गया था, 1869 में किया गया था। तो ये बातें गलत हो गई। ये क्या है, सोम प्रकाश के विरुद्ध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। यस साथियों, वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लॉर्ड लिटन लेकर आया था, कहा कि देसी भाषा में पत्रिकाएं या न्यूज नहीं छपेंगे, सिर्फ अंग्रेजी में छपेंगे। इसलिए ऐसा कहा कि क्योंकि अंग्रेजी में छपेगा तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो बातें लिखी जा रही है वो ज्यादा लोग नहीं समझ पाए। तो यही थी, केवल बी इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर पूछ रहा है। तो 11 हो गया। 12 में देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, कौन सा समाचार पत्र सही है। चीजों को मैं जो एक्सप्लेन करता हूं साथियों, काफी सारी चीजों को समेट देता हूं, आप लोग को बहुत फायदा होगा उससे। तो यही मैंने बताया, बार बार बताते चला हूं, लॉर्ड लिटन समाचार पत्रों के लिए सेंसरशिप अधिनियम 1799 द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लागू किया था। तो साथियों ये 1799 वाला, ये लॉर्ड लिटन तो किया था, लेकिन 1799 नहीं साथियों, ये 1878 के माध्यम से। तो ये गलत हो गया, तो ये गलत गलत हो गया। इस एक्ट ने संपादक मुद्रक तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया था। तो ये बातें सही हैं, केवल दो आपका बात सही है बस। आगे देखते हैं हम लोग 13 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है, विचार करके सही उत्तर देना है। 1813 ईस्वी में अनुज्ञप्ति नियम यानी जिसे लाइसेंस रेगुलेशन कहा जाता है, के जरिए मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था। यह साथियों बिल्कुल सही बात है। और चार्ल्स मेटकाप को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यह साथियों दोनों बातें सही है यहाँ पर। ये 13 में आपसे जो है जो सी हो जाएगा उत्तर, ये वाला हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 में, किस गवर्नर जनरल ने 1881 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था? तो मदरसा की स्थापना 1781 में जो किया गया था वो मुसलमानों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कि मुसलमान पढ़ेंगे तो हमारे कायदे कानून को समझेंगे। दूसरा एक ये इरादा था खोलने का अंग्रेजों का, और दूसरा एक ये एक इरादा था कि जो है मतलब इस तरह के मुसलमान पढ़ा लिखा कर विकसित करना जो हमारे पक्ष में काम कर सकें। तो वारेन हेक्सटिंग ने किया था कलकत्ता में मदरसा की स्थापना 1781 में। बहुत अच्छा, 14 का उत्तर हमारा ए हो गया। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं ये मैचिंग वाला प्रश्न है हमारा, बहुत अच्छा। तो एक तरफ हमको दे दिया गया है सूची एक में कुछ विद्रोह, और सूची दो में वो कहाँ हुआ था वो विद्रोह, ये है साथियों, बहुत लाजवाब प्रश्न है हमारा। तो ये जो लिखा है मोपला विद्रोह तो केरल में ही हुआ था, ये आपको पीसीएस 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, वो आपको सन पूछ लिया था, तो 1921 में हुआ था। ये पीसीएस जो है आपको 2023 वाले में पूछा गया था, ये 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, केरल में हुआ था, ये बात सही है। पावना विद्रोह यहाँ पर दे दिया साथियों, 1870 के दशक में हुआ था, 1870 के दशक में,
पाबना विद्रोह हुआ था बंगाल में, पाबना नाम का एक बंगाल में स्थान है, वहीं हुआ था ये। अगर आप लोग जान ये समझ गए पाबना बंगाल में है तो समझ जाओगे। एका आंदोलन साथियों, एका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? 1921-22 के क्षेत्र में हुआ था ये, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, अवध में। और एक बचा है उलगुलान आपका, ये छोटा नागपुर हो जाएगा तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 16 में। 16 में क्या है? यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। साथियों, एक अंग्रेज था, वह अपनी अंग्रेजी पुस्तकालय की बखान कर रहा था कि भारत और जो है पूरे अरब, ये सब मिलाकर पूरा लाइब्रेरी का जितना मतलब साहित्य मतलब की वैल्यू नहीं होगी, उतना हमारे यूरोप की एक पुस्तकालय की अलमारी काफी है। तो ये बात किसने कहा था? ये कहा था साथियों मैकाले ने, जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो यही है मैकाले, विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा। अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है मैकाले। 17 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सन्यासी और फकीर विद्रोह की विशेषता है? तो सन्यासी और फकीर विद्रोह की विशेषता पूछ रहा है ये तीन कथनों में। तो कौन सा है साथियों, आपसे कौन पूछ रहा है? सन्यासी और फकीर विद्रोह। तो सन्यासी 1770 में आया था। तो सन्यासी कब आया था? 1770 में। तो इसमें जो है ये मतलब तीन कथन दिया गया है, और तीनों कथनों को हमें पढ़ना है थोड़ा ठीक से। ये विद्रोह सन्यासियों और फकीरों का एक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झड़पों की एक श्रृंखला को संदर्भित करता है। यह सही बात। इन विद्रोहों का एक कारण तीर्थ मार्गों पर सन्यासियों का मुक्त आवागमन था, ये भी बात सही है। और 1783 विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टिंग ने बंगाल बिहार के सभी सन्यासियों को निर्वासित करने की घोषणा की थी। यस, तीन के तीनों बातें सही है। तो 17 का हमारा जो उत्तर होगा ये सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 118। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आप यहाँ बहुत सारा अच्छा अच्छा फैक्ट सीखेंगे। इसमें आपको दिया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है, उसी से संबंधित आपको यही दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को पढ़कर आप गलत उत्तर को देना है, आपको ध्यान रहे गलत उत्तर को, जो गलत है उसी को उत्तर मानना है आपको। तो पहला आपको दिया है, करा है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो वायसराय पैलेस के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन आज के समय में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, ये पहले वायसराय पैलेस के तौर पर निर्मित किया गया था, जिसके वास्तुकार एडविन लुटियन है। ये कब बनाया गया था साथियों, इसको जान लीजिए। ये राष्ट्रपति भवन कब बनाया गया था? ये 1900 राष्ट्रपति भवन 1929 में बनाया गया था। एक इसको समझ लीजिए, ये तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, ये एक वाला कथन सही है। अब हम जब दूसरा पढ़ते हैं तो इंडिया गेट का निर्माण कह रहा है कि 1911 में हुआ था राजधानी परिवर्तन दौरान, सरासर गलत है साथियों। जो इंडिया गेट का निर्माण हुआ है, यह राष्ट्रपति भवन के दो यानी जो वायसराय पैलेस था, इसके 2 वर्ष बाद यानी 1931 में हुआ था। ये एक युद्ध स्मारक के तौर पर है, जो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में बनवाया गया था ये। तो गलत कौन सा है? दूसरा वाला तो आपका सरासर गलत हो गया, पहला वाला सही है। तो जो गलत है उसी को बताना है, तो दूसरा ही गलत है। तो विकल्प नंबर ए यही गलत है, दूसरा। केवल दो कथन गलत है। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें साथियों 119 में आपको क्या कह रहा है? एक तरफ आपको मजदूर संगठन दिया है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक का नाम है, और आपसे कह रहा है कोई सुमेलित नहीं है उसी बताइए, इन चारों में से जो सुमेलित नहीं है उसी को पकड़ना है। तो साथियों यहां पर देखें, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, इसके संस्थापक नारायण मेघाजी लोखांडे हैं, ये तो सही है। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एनएम जोशी हैं, ये भी सही है। और मद्रास मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया है, ये तीनों तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं ये। लेकिन अब ये तीनों सही हैं, यही चौथा गलत होगा, चौथा ही गलत है साथियों।
क्योंकि ये जो है मजदूर भारतीय मजदूर संघ की स्थापना लाला लाजपत राय ने ही किया है, यही वाला आपका गलत है। तो आप सोच रहे हैं किसने किया था, तो दंतोपंत ठेंगड़ी नाम से एक है साथियों, ठेंगड़ी ठेंगड़ी ने, दंतोपंत डी ठेंगड़ी ने कहा जाता है, तो यही है, तो डी ठेंगड़ी, तो यही है, ये लाला लाजपत राय नहीं है, तो याद रखिएगा ये। आगे देखें हम लोग 20 में, अगर देखते हैं 120 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, 120 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं, भारत में हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान कौन सा कथन सत्य है। भारत में जो श्रमिक आंदोलन हुआ है उसके दौ उससे रिलेटेड आपको उस सवाल पूछा जा रहा है। तो ये साथियों 5 जुलाई 1947 को भारत रियासत विभाग की स्थापना किया गया था, तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये आपके लिए, कह रहा है भारत में हुए श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में, भारत में जो श्रमिक आंदोलन हुआ है उसके संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए, इन्हीं कथनों को पढ़कर सही उत्तर को चुन लेना है। तो साथियों इसमें क्या बताना है आपको, राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे इंटेक कहा जाता है, इसकी स्थापना किया था, तो यस ये बिल्कुल सही है। और मई 1949 में प्रोफेसर केटी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की गठन की थी, तो जी ये दोनों के दोनों बातें सही हैं, तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा, ये श्रमिक आंदोलन के संदर्भ में दोनों बातें सही है। 21 में क्या है, 21 में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत सरकार ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में भारत रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग बनाया था, वो कब बनाया था। तो साथियों 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार ने एक ही अलग से भारत रियासत विभाग बनाया था, जिसका अध्यक्ष पटेल जी को बनाया गया था। आप लोगों को मालूम है रियासतों को मिलाने का काम यही पटेल जी ही किए थे, तो इसका अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया था, तो 5 जुलाई 1947 को। बहुत अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग 22 में, तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं 22 वाले में, ये भी उसी संबंधित प्रश्न है, मिलता जुलता पटेल जी से, आपसे क्या कह रहे हैं, कथनों पर विचार करिए, विचार करके हमें गलत कथन को चयन करना है, यहाँ जरूर ध्यान दीजिए गलत पूछ रहे हैं। तो जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया था, यस साथियों सब कुछ तो आसानी से मान गए थे, 500 से अधिक रियासत थी जब पटेल सबको शुरू किए थे, तो तीन नहीं मानी थी, एक हैदराबाद, एक जम्मू कश्मीर और एक साथियों जूनागढ़। तो हैदराबाद तो जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला विलय कराया गया था, जम्मू कश्मीर तो विलय पत्र के माध्यम से, और ये जूनागढ़, जैसे जूना जैसे जनमत संग्रह, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से यह जो है इसको भारत में शामिल कराया गया था, जनमत यानी जनता के वोटिंग के द्वारा, तो जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया जन संग्रह के माध्यम से, तो ये बात सही है, लेकिन हमसे गलत पूछ रहा है, जो गलत है मैं उसको बताना है। तो दूसरा हम क्या कह रहा है, विलय के लिए भारतीय सेना ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया था, यस मैंने बताया ना हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है सेना की कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो नाम का एक जो है ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोनों की बातें यहाँ सही है, गलत कोई नहीं है, तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा कि न तो एक गलत है न तो दो। बहुत अच्छा, आगे देख लें हम 23 में, इसमें कह रहा है राजकुमार शुक्ल का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था। तो साथियों यही चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को यही राजकुमार शुक्ल ही चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाए थे, नील वाला मामला था जो तीनकठिया पर था। आगे देखते हैं हम लोग 24 में, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, विकल्प नंबर आपका जो डी है, ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल, इसको अब भारत का गवर्नर जनरल का दर्जा प्राप्त हो गया। और 1833 में एक और बात पूछी जाती है, 1813 वाले में तो
कंपनी का सारा व्यापार का विवेका विशेषाधिकार समाप्त करके चाय और चीनी का छोड़ा गया, मतलब चीन और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। लेकिन 1833 वाले में ये चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया और चाय का जो व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया। तो ये डी वाला याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 25 में, 125 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में, किसके स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को आप पढ़िए और बता दीजिए हमारा सही उत्तर क्या है ऑप्शन में। तो साथियों, इस आंदोलन की जड़ें बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन में थी। यस साथियों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन थे, यानी बंग भंग आंदोलन विरोधी बातें थी वहां पर, जो बंगाल का लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया था 1905 में, ये बातें सही है। दूसरा, आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी। यह साथियों, जब आंदोलन हो रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो सड़कों पर लोग यही रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला गीत गाते थे, और आज यही आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश का ये राष्ट्रगीत बन गया चुका है, राष्ट्रगान। तो यही है विकल्प नंबर, यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो सी हो जाएगा हमारा, 125 का सी। आगे देखें हम लोग 26 में, 26 में साथियों हमसे क्या पूछ रहे हैं, 126 में, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में। क्रिप्स मिशन साथियों आया था 1942 में, जो फेल हो गया था, तो इसके बाद आया था हमारा जो है जो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में आपको दो कथन दिए गए हैं, कथनों को पढ़कर हमें बताइए कौन सा सही है। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो ये बातें यहाँ पर जो है गलत है यहाँ पर। तो इसमें जो है रियासतों द्वारा नामित सदस्य यहाँ पर नहीं था प्रांतीय विधानसभाओं में, तो वो चुनकर आने की बात थी, तो ये गलत हो जाएगा। तो नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो 126 वाले में साथियों ये दूसरा आपका सही है, तो ये वाला सही है, पहला गलत है। 127 में, 127 में आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये तीन कथन है, कथनों पर विचार करके सही उत्तर आप बताइए। तो आप जब पहला देखेंगे, डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम बनाए, तो ये बातें जो है आपकी गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा। और क्योंकि साथियों ओडिशा में राजवंश के बाद, गंग राजवंश के बाद एक गौरवशाली राजवंश आया जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है, और वही जो है वंश जो है शासक कख तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, 127 में क्या कह रहा है। आपको भारतीय इतिहास के संदर्भ से तीन कथन दिया है, इन्हीं तीनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। अब देखें हम लोग, यहाँ कह रहा है डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम बनाए। तो साथियों ये बात जो है पहला वाला आपका गलत है, क्योंकि इन्होंने भोई वंश की, मतलब ये गजपति लोगों से ये संबंधित नहीं था, तो ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। यह साथियों ये 1610 में गोवा को छीन लिया था, 1510 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट फैक्ट्री स्थापित किया। यस, तो ये दोनों बातें सही हैं, आपका बी उत्तर हो जाएगा ये वाला। तो आगे हम लोग देखते हैं 28 में, देखें 28 में आपसे क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीड, लॉन्गहर्स्ट एंड रॉबर्ट स्वेल जेम्स बर्गेल किस गतिविधि से जुड़े थे। तो
तो साथियों ये सब मैंने आपको जो नाम बताया 128 वाले में, ये लोग जो है पुरातात्विक खनन से जुड़े हैं, ये पुरातात्विक खनन से जुड़े हुए ये सब लोग हैं। तो नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप प्राचीन भारत पढ़े होंगे तो ये सब नाम आया होगा वहां पर। तो 129 में, 129 में दोनों कथनों को आप पढ़िए और पढ़कर सही उत्तर देना है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से वायु मतलब 21 वर्ष के एज से जो अधिक लोग हैं सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। नहीं साथियों, सभी महिलाओं के लिए नहीं, ये तो अन्याय हो गया। ऐसा हुआ रहता तब क्या, तो इतना विद्रोह नहीं होता। तो यहाँ पर जो दिया है सभी महिलाओं के लिए, यही गड़बड़ कर दिया। इनमें कुछ चुनिंदा महिलाओं को दिया गया था, वो भी संपत्ति और टैक्स के आधार पर। तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या करा है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो साथियों यस, ये बात सही है, 1935 वाले एक्ट में ये प्रावधान किया गया था। तो ये दूसरा सही है आपका, तो आपका उत्तर यही बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें 30 में, 30 वाले में आपसे क्या करा है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो साथियों 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो सब आप किसी से छिपा नहीं है, 8 अगस्त 1942 में ये क्या हुआ था। तो साथियों इसमें क्या हुआ था, 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। तो यस ये बात सही है, क्योंकि AICC क्या है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को अंगीकार यानी एक्सेप्ट किया गया था। तो यही बातें सही है 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में। 31 में, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी, जो बाद में बैथून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो साथियों यहां पर जो है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाना चाहिए, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ये हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे और बाद में इसी हिंदू फीमेल स्कूल कन्वर्ट हो गया इसका नाम में बैथून फीमेल स्कूल। तो यहाँ पर ये ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे साथियों, यहाँ पर ये वहां पर सेक्रेटरी के रूप में तैनात थे, तो सचिव के रूप में। ये हो गया 32। हम लोग देखते हैं औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में, ये देखो लिखा है शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। तो इनको शॉर्टकट में नाम बोला जाता है ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज, इनका टाइटल पकड़कर। तो ये क्यों याद किए जाते हैं, ये किससे संबंधित है। तो साथियों बहुत ही मॉडर्न इंडिया में आप लोग जब पढ़ेंगे लास्ट स्टेज में, तो वहां पर ये बातें आपको बहुत ही अच्छे से दी गई है। ये इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में जाने जाते हैं, ढिल्लो, सहगल, शाहनवाज। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इन पर लाल किला वाला मुकदमा चलाया गया था, बाद में उनको फांसी सुनाई दी गई थी, लेकिन जन विरोध इतना ज्यादा था कि बाद में फांसी इन तीनों की टालनी पड़ी। आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग 33 में क्या है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में साथियों, इसका मतलब ये 1625 के आसपास की बात कर रहा है। तो निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाना स्थित थे। तो 1625 के आसपास यानी 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में ईस्ट इंग्लिया, ईस्ट मतलब अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो कहाँ थी। तो साथियों भरूच में थी, बस यही एक भरूच में थी और अन्य जगहों पर थी। एक भरूच थी, एक आगरा था और एक अहमदानगर था। तो यहाँ पर जो है तीन थी, भरूच, आगरा, अहमदनगर, ये यहाँ पर इंग्लिश अंग्रेजों की फैक्ट्री नहीं थी। तो विकल्प नंबर एक केवल सही होगा यहाँ पर, ए वाला। आगे देखते हैं हम लोग 34 में, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल
सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। तो सराय नाहर राय कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ये सराय नाहर है, जहां से जो है मध्य पाषाणी पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर झोपड़ी मिली, झोपड़ी का फर्श, अस्थाई निवास स्थान, बाह्य मानवीय आक्रमण ये सब प्राप्त हुए हैं, और गर्त चूल्हे मिले हैं जहाँ पशुओं का मांस भुना जाता था, और यही सब यहाँ सब मिले, यानी तीन के तीनों बातें सही हैं, सी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं 135 में, उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, विचार करके सही उत्तर दीजिए। तो सांस्कृतिक उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। यस साथियों, शिक्षा और संस्कृति के बहुत ही अच्छा विकास के कारण हमारे गृह जनपद जौनपुर को यह भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर की स्थापना पूछा जाता है साथियों, कौन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, अपने चचेरा भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। मोहम्मद बिन तुगलक का नकली नाम जो था, एक पहले का नाम वो जौना खान था, उसी के नाम पर ये रखा है फिरोज शाह तुगलक ने। इतना बता दिया आपको जौनपुर के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ में स्थित अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली ले जाकर स्थापित कराया था। यस, तो दोनों बातें सही हैं, सी हो जाएगा उत्तर। 36 में क्या है? 36 में साथियों आपको बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। एक तरफ आपको जनपद दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है। तो अब 16 महाजनपद जो थे उसी में ये चार महाजनपद दिए हैं और एक राजधानी में गड़बड़ी कर दिया है, तो उसको आपको पकड़ लेना है। तो साथियों देखिए, चेदी की जो थी, चेदी महाजनपद, उसकी राजधानी जो है ये शुक्तिमती थी। यस, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, और यहाँ पर जो ये दे दिया है ये कोसल की राजधानी कुशीनारा, तो ये गलत हो गया, कुशीनारा नहीं होगा साथियों। यह कुशीनारा के स्थान पर ये जो कोसल महाजनपद की जो राजधानी होनी वो श्रावस्ती है, तो ये कहाँ होगी साथियों? ये श्रावस्ती, या मैं हल्का सा लिख दिया हूं, समझ जाइएगा। आगे देखते हैं, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा, यही सही नहीं है। 37 में देखते हैं, मिलाने वाला प्रश्न है, क्या लाजवाब प्रश्न दिया है साथियों। एक तरफ आपको 1857 की क्रांति के केंद्र दिया है, और दूसरी तरफ उस केंद्र को कौन सा नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम दिया है। तो साथियों यहाँ पर हमें अच्छे से मिला लेना है। तो गोरखपुर में गजाधर थे, ग से गोरखपुर, ग से गजाधर सिंह, गोरखपुर में गजाधर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फतेहाबाद में अजीम मुल्ला जी नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर, और बरेली में खान बहादुर खान, और एक हमारे पास बच गया है कालपी में, ये तांतिया टोप है। तो हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है यहाँ पर? तो हमारा कौन सा सेट सेट बन रहा है? ए वाला डी पर गया, यानी ए वाला 4 पर गया, तो सीधी सी बात यही वाला सी वाला बनेगा, और बी वाला 3 पर, तो यही वाला हमारा सेट बन रहा है, सी उत्तर होगा। 138 में आपसे कह रहा है कि एका आंदोलन के संदर्भ में, एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, जो गलत है, उसी को पकड़ना है। तो आपको बता दो साथियों, जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसके बाद उसी दौरान असहयोग आंदोलन में के समय में एक एका आंदोलन चला था साथियों। एका आंदोलन 1921 से 22 के बीच चला था, 21 से 22 के बीच। तो एका आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये देखो, पहला लिखा है, कौन सा सही नहीं है? इस आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र सीतापुर, हरदोई और बहराइच था। तो यह साथियों लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में ये एका आंदोलन बहुत ही तेजी से चला था। ये तो इसमें लगान में वृद्धि जो हो गई थी उसके विरोध में, तो एक ये तो बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के साथ ही अवध में इसकी शुरुआत हुई थी। यस, 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने समाप्त कर दिया, तो उसकी समाप्ति के साथ ही अवध अवध वाले क्षेत्र में ये शुरुआत हो गया था। तो दोनों बातें ये सही है। तो यहाँ कह रहा है कौन सा गलत है, तो गलत कोई नहीं है, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। डी कहें तो ना तो एक गलत है ना तो दो, दोनों सही है। देखें 39 में क्या है, कह रहा है कि देवनागरी लिपि में लिखित
देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी, यानी आज लोग जो हिंदी अपने उत्तर भारत में प्रयोग करते हैं वो देवनागरी में लिखते हैं, वो लिखने की शैली देवनागरी है। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को उत्तर प्रदेश में राजभाषा घोषित कब किया गया, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। तो साथियों, अक्टूबर 1947 में ही राजभाषा घोषित कर दिया गया था, यानी राज की भाषा, राज में जो कारकाज होगा उसका भाषा। इसमें देखें हम लोग 40 में, देखिए क्या आपसे पूछा है, चरकुला नृत्य के बारे में पूछ रहा है साथियों। चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र में है, वो मतलब से संबंधित है चरकुला नृत्य। तो ये इसी संबंधित आपको तीन कथन दिया है, तीनों कथनों में से कौन सा सही है उसी को आपको बताना है। तो चरकुला नृत्य, नाम ही बहुत अच्छा है, चरकुला, कुला क्या है, ब्रज क्षेत्र से हम लोग ब्रश करके जो है शुरुआत, ऐसे सोच लीजिए हम लोग सुबह ब्रश करके कुला करते हैं ना, तो ब्रश कुला, ब्रश से ब्रज हो गया, कुला से चरकुला हो गया, ऐसे समझ जाइए। चरकुला नृत्य ब्रज वाले क्षेत्र से संबंधित है। इस नृत्य की उत्पत्ति कह रहा है बुंदेलखंड में हुई थी। साथियों गलत, अभी मैंने कहा बुंदेलखंड में नहीं, यह ब्रज में हुई थी, तो ये गलत हो गया आपका। जब ये गलत हो गया तो एक जहां जहां है सब काट दो, तो यानी अब उत्तर हमें केवल बी या सी में से ढूंढना है कोई। अब ये क्या रहा है, यह नृत्य होली के दूज पर किया जाता है, जी सही बात है। यह नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाए जाते हैं, ये भी सही है। तो दो तीन सही है, विकल्प नंबर बी हमारा सत्य है। आगे देखते हैं 44 में, 41 में क्या है, 41 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, कौन सा सही है कथनों में से और हमें सही उत्तर देना है। तो देखें, स्काई रूट एरो स्पेस ने 27 मार्च 2024 को विक्रम 1 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के स्टेज 2 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यस ये भी सही है। और दूसरा, विक्रम 1 के रॉकेट के दूसरे चरण को कलाम 250 नाम दिया गया है, यस यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं, सही पूछ रहा है। 42 में, भारत रोजगार रिपोर्ट, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो देखें क्या देखते हैं, कह रहा है पहला में, मानव विकास संस्थान और विश्व बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो साथियों कौन इस रिपोर्ट को जारी किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो ये गलत हो गया आपका। कौन कौन, मानव विकास संस्थान और अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थान, विश्व बैंक नहीं होगा, यहाँ श्रम संस्थान होना चाहिए था, अंतरराष्ट्रीय श्रम संस्थान, तो ये गलत। दूसरा में, इस रिपोर्ट के मतलब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें ये कहा गया है कि काम की जो तलाश कर रहे लोग हैं उनमें बेरोजगारी की संख्या 83% युवा है, तो ये साथी, यानी जो काम की तलाश कर रहे हैं बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों में 83% यंग है, युवा है, यूथ। तो यहाँ पर केवल बी सही होगा हमारा, केवल दो। आगे देखें हम लोग, देखें 43 में, 8 मार्च 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के धुरिया पार में पहले CBG प्लांट का उद्घाटन किया, यह किस जिले में है? तो साथियों यह CBG नाम आपको दो दिया है, ये थोड़ा सा यहाँ जानना है। CBG क्या है साथियों, कंप्रेस्ड बायोगैस, CB यहाँ पर अच्छे से आपको लिख दू, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस है ये। तो इसका उद्घाटन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ और जो है प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गोरखपुर में किया है, बी हो जाएगा उत्तर आपका। 44 में, वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 2024 का एबेल पुरस्कार, तो एबेल पुरस्कार साथियों ये डेनियल पार्नेल सुलिवन, तो विकल्प नंबर यहाँ आपका 44 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओ सॉरी, ये मिशेल टेला ग्रैंट है, बी हो जाएगा, मिशेल टेला ग्रैंट। 2024 में इन्हें एबेल पुरस्कार देने की बात की गई है, और ये नील्स हेनरिक जो है साथियों, इन्हीं के नाम पर जो है, इन्हीं की याद में एबल पुरस्कार दिया जाता है,
और जो लुविस कैफरेल है ये 2023 में इनको जो है एबल पुरस्कार दिया गया था, और ये जो सुलिवान है इनको 2022 में दिया गया था। तो ये सब याद रखिएगा 45 में। 45 में क्या है, कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करें। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और पद का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो साथियों नहीं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो है ये अनुच्छेद 338 में ये बातें दी गई हैं। तो अनुसूचित जाति से संबंधित, इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है यानी संवैधानिक आयोग क्या होता है, जिस आयोग की बारे में संविधान में बताया गया होता है। तो इसका संसद द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी सेवा शर्तें वगैरह सब निर्धारित होती है। तो ये बात गलत हो गया। दूसरा का अगर पढ़ते हैं तो भारत की मंत्रिमंडली नियुक्ति समिति ने मार्च 2024 में किशोर मकावना को जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो साथियों मंत्रिमंडली नियुक्ति ने नहीं किया है, ये जो मकराना साहब को किया गया है, मकवाना साहब को, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या उत्तर हो जाएगा, सही पूछ रहे हैं तो सही डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। ना तो एक सही है ना तो दो। आगे देखते हैं हम लोग 46 में। निम्नलिखित में से किसे 22 मार्च 2024 को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान दिया गया जो है, भूटान का ये सर्वोच्च सम्मान है, किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये नरेंद्र मोदी जी जो है 22 मार्च 2024 को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। 47 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो साथियों ये डी हो जाएगा आपका उत्तर, अंश नेरूरकर। यह मात्र 11 वर्ष के हैं तो इन्होंने जो है खिताब जीता है, फ्यूचर कैटेगरी का खिताब। आगे देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड नेशन यानी यूएन द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो यूनाइटेड नेशन ने जिसका जारी किया है इंडेक्स, तो विकल्प नंबर ए भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों जो भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, 126 देशों में भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है ये। आगे देखते हैं हम लोग 49 में, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया? तो साथियों ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का दर्जा दिया गया है। विकल्प नंबर ए हो जाएगा, यह जो है ये इलेक्ट्रिक से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। हाल ही में सऊदी अरब में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली महिला प्रतियोगी तौर पर किसे नामांकित किया गया है? तो साथियों किसे नामांकित किया गया है, तो रोमी अल काहतानी को। विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। बहुत अच्छा। तो साथियों हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपने जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट हम लोग बनाए हैं, और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 76 से 150 तक देख लिए हैं, यानी ओवरऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ये 150 तक देख लें। 150 प्रश्नों की सीरीज थी दो भाग में, तो साथ हम लोग बहुत अच्छे से कर ले। इसके बाद हम लोग ये इंडियन पॉलिटी का लेकर आते हैं, यानी 150 के 150 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा हमारा। तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।